गुड इवनिंग एवरीवन वन आशा ठाकुर बिंता नैन्सी मोनिका नेहा रेखा एंड अनिता मंजू गुड इवनिंग किरण नेगी एंड मधु गुड इवनिंग सर सबको गुड इवनिंग चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम पहला प्रश्न देख लेते हैं एंड पिछली एक चीज और है देखना बिंता uh, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए माइंड में ऐसा नहीं है कि आपको जो प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं देखना वो सारे के सारे आ जाएंगे और एज इट इज ऐसा ही प्रश्न आपको रहेगा थोड़ा सा आपका जो पेपर है जहां तक मैंने उसको ऑब्जर्व किया देखना वो इससे इतना ज्यादा टफ आपको नहीं मिलेगा पेपर या मतलब कुछ एक प्रश्न ही इसमें मुश्किल है वैसे थोड़ा सा ये समझ की बात है एंड आप जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर काम कीजिए डेफिनेटली आपका जो है ठीक हो जाएगा ठीक है गुड इवनिंग अंजना कविता मीना एंड नीलम प्रियंका जी मीना गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर कुछ कहना है हेंड्रिस किया आपने नो no, सर हाँ हेंड्रिस हो रहा था आपका बार बार चलिए तो देख लेते हैं फिर अब आज के प्रश्नों को देखिए ये ट्वेंटी क्वेश्चन यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए थे यहाँ पर सुखलाल इनशाला खान लल्लू लाल और सदल मिश्र ये जो पहले वाला क्रम था ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था सदा सुखलाल सदल मिश्र इंशाला खान और लल्लू लाल ये रखा था डॉक्टर बच्चन सिंह ने और इनशाला खान इंशाला खान के बाद दूसरे नंबर पर सदल मिश्र और तीसरे नंबर पर लल्लू लाल और चौथे नंबर पर सदा सुख लाल को किसने रखा था ये रखा था जो बाबू श्याम सुंदर दास रहे हैं उन्होंने तो तीनों लेखकों ने अलग अलग क्रम बताया है देखना ये चीज आपको याद रखनी है पंद्रह लोग जो है क्लास में अटेंड है बाकी लोग जो है पंद्रह नहीं आ रहे हैं बाद में मत कहना की हमें रिकॉर्डिंग हमें जो है ये टेस्ट वगैरह शो नहीं हो रहे हैं तो फिर अभी चलिए लाइव टेस्ट तो खैर सबको शो हो जाएगा लेकिन दूसरा टेस्ट आपका जो टेस्ट सेक्शन में जाके आपको देना होगा इन फ्यूचर उसमें सबको अटेम्प्ट करने की जरूरत रहेगी देखना बाद में फिर आपको क्वेश्चन शो नहीं होंगे ठीक है तो चलिए आज का पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी ये प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है देखना और इसको सबको सही करना है ये प्रश्न किसी भी एंगल से गलत नहीं होना चाहिए और इस प्रश्न को आपने बार बार पढ़ा होगा और बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है चलिए देखते हैं कितने लोग इसको सही करते हैं ग्यारह लोगों ने आंसर किया है बारह ने 13 शाबाश बहुत ही अच्छा प्रश्न और आसान सा प्रश्न है एंड यहां से फोर्ट विलियम कॉलेज से आपको हर बारी प्रश्न जरूर रहते हैं ठीक है <coughs> यहाँ से आपको ऐसा कोई मुश्किल प्रश्न नहीं पूछा जाता देखना विलियम कॉलेज मंजू एंड बिंता रेखा अनिता रानी मोनिका किरण नेगी बहुत अच्छे दस लोगों ने ठीक आंसर किया है चार लोग इसका आंसर भी गलत कर रहे हैं मतलब बेसिक्स क्लियर नहीं है मीना नैनसी नेहा एंड अंजना थोड़ा सा पढ़िए आप इन चीजों को है ना पुराने लेक्चर से एक बार फिर से देखिए जिसने नहीं देखा है आशा एंड मधु अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए आप लोग भी तो यहाँ पर सही आंसर क्या था इसका लॉर्ड विल्जली इन्होंने क्या किया विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 में की है देखना ये भी आपको याद रखना है फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर था कोलकाता में था और यहां पर सबसे पहले अध्यक्ष रहे हिंदी विभाग के वो कौन रहे ये रहे जॉन गिलक्राइस और जॉन गिलक्राइस के बाद उन्होंने भाषा मुंशी के तौर पर नियुक्ति किसे दी थी सबसे पहले 1802 में ये दी थी जो आपके लल्लू लाल रहे उनको और अठारह में यहाँ पर सदल मिश्र को रखा गया था ये चीज भी आपको याद रखनी है देखना फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और फोर्ट विलियम कॉलेज को गिराया कब गया था तो चौबीस जनवरी अठारह में इसको गिरा दिया गया था सरकारी आज्ञा पत्र के अनुसार एंड देवनागरी को प्रतिष्ठित करने का काम किसने किया यहाँ पर तो ये बात आपको याद रखनी है विलियम प्राइस नाम से एक नाम हुआ है उन्होंने और पहले फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम क्या था ओरिएंटल सेमिनरी इसका नाम रहा है ये भी आपको याद रखना है तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखना यही फोर्ट विलियम कॉलेज से इसके बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं बनता है और सबसे पहले जो है नवीन अर्थों में हिंदी का प्रयोग जो है वो प्रोफेसर टेलन ने किया था फोर्ट विलियम कॉलेज में ही ये भी आपको याद रखना है कैप्टन टेलन था उसका नाम देखना यह हम हिंदी के विकास क्रम में पढ़ लिए थे इस चीज को ये भी साथ साथ आप याद रखिए जो भी फोर्ट विलियम कॉलेज था संक्षिप्त रूप से यही फोर्ट विलियम कॉलेज है यहां पर भाषा नीति आपको पूछी जा सकती है जॉन की तो उसने खड़ी बोली हिंदी के लिए गंवारू शब्द का इस्तेमाल किया था एंड साथ ही साथ उसने खड़ी बोली को टक्साली भाषा भी कहा है ठीक है खड़ी बोली का अन्य नाम उसने क्या नाम दिया टक्साली ये नाम आप नोट डाउन कर लीजिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है देखना इसको पूछा जा सकता है आपको अब जो टक्साली भाषा क्या है वो आपके एक तरीके से शुद्ध भाषा भी रहती है ये भी आपको याद रखना है है ना याद रखना है इस चीज को भी तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोलियां न्यारी न्यारी हैं यह कथन किसका है बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये वाला भी एंड इसको भी बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस पेपर में भी और यहाँ पर मैंने इसको दोबारा रखा है आपके बीच में चलिए देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न को ठीक करते हैं कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है तो हिंदी के विकास क्रम से संबंधित देखना आपने अभी आई थिंक इससे पहले इस तरीके से आपने नहीं पढ़ा होगा आपने सिंपली बहुत सारे लोग जो तैयारियां इस तरीके से ही करते हैं कि आपके अः कहानी कौन सी है निबंधों को ही पढ़ते रहते हैं ठीक है पांडेन पांडे उठा लिया सरस्वती पांडे ये सॉरी जो आपका लूसेंट समान हिंदी उठा ली रोहिला उठा ली जिसकी आप आ, बात भी कर रहे थे ग्रुप में तो रोहिला जो एक हेल्प बुक है आपकी देखना तो वहां से आपको ये सारी चीजें मिल तो जाएंगी पर वहां पर भी हमारा जो पढ़ने का तरीका है कई बार गाइड बुक से हटके हो जाता है तो इसलिए थोड़ा सा आप इसको मतलब सिलसिलेवार करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा गाइड बुक की अपेक्षा मंजू देवी मोनिका पूजा नौ लोगों ने ठीक किया है सात लोगों ने जवाब गलत किया है और एक आंसर नहीं आया है ठीक है तो अभी थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है देखना मेहनत कीजिए इसमें आसान सा प्रश्न था ये वैसे इतना मुश्किल भी ये नहीं है ठीक है तो ये कहा था राजा लक्ष्मण सिंह ने देखना एंड राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिवप्रसाद प्रसाद सितारे हिंद ये दो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है देखना इन दोनों ने भाषा के संदर्भ में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने लिखी तो इनका जो जिक्र आता है कि इनकी भाषा किस तरीके से रही इनकी भाषा नीति ये बात भी आपको याद रखनी है तो इंपॉर्टेंट नाम रहेगा यहाँ पर जो आपका <coughs> राजा लक्ष्मण सिंह थी तो इसका ये कथन आगे भी रहा है कि हिंदी यहाँ के हिंदू और यहाँ के मुसलमान जो है उर्दू भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये चीज ध्यान रखने कुछ इस तरीके का ये कथन आगे भी है तो हो सकता है इसको यहाँ के आगे वाली पंक्तियां भी पूछी जा सकती है या फिर प्रारंभिक पंक्तियां भी आपको पूछी जा सकती हैं रघुवंशम की भूमिका इसने के अनुवाद में इसने ये कहा था जब इसका अनुवाद किया था इसने उसकी भूमिका में ठीक है तो ये ध्यान रखना है आपको राजा शिवप्रसाद प्रसाद सितारे हिंद यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है देखना कि इसकी जो भाषा रही है वो क्या रही उर्दू मिश्रित हिंदी रही है ये बात भी आपको याद रखना है सर सैयद अहमद खान तो ये भाषा के विरोधी रहे हिंदी भाषा के ये भी याद रखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इसने कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली ठीक है इसको भी आपको याद रखना है में सब दूसरी चीज इसने ये भी कही कि जो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति है है का बड़ी इंपॉर्टेंट है देखना अंग्रेजी पढ़ के होत गुण प्रवीण पे निज भाषा ज्ञान के प्रहतहीन के हीन ये वाली पंक्ति इसी की है देखना जो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं भारत दुर्दशा की इसकी पंक्तियां हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है उनको भी आपको साथ साथ में याद रखना है ठीक है एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं आगे चंद्रचंद वर्णन -चंद की महिमा किसकी कृति है बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है आज के प्रश्न जितने भी यहां पर हैं देखना 20 30 क्वेश्चन वो सारे के सारे बहुत ही इजी प्रश्न है और उसमें आपको कोई ज्यादा देर लगाने की बात ही नहीं है ठीक है <coughs> 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 आसान सा प्रश्न है ये चंद चंद बर्णन की महिमा एंड ये खड़ी बोली हिंदी की प्रारंभिक रचना इसको माना गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा चलिए यह भी मैं बता देता हूं आपको खड़ी बोली हिंदी की प्रारंभिक रचना किसने माना इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना चंद वर्णन चंद की महिमा एंड दरबारी कवि थे इसके जो लेखक रहे चलिए देखते हैं कितने लोग ठीक करते हैं मोनिका ठाकुर मंजू देवी पूजा देवी रेखा बिंता बहुत अच्छे ग्यारह लोगों ने ठीक किया है तीन लोगों ने गलत जवाब दिया है चार लोग आंसर नहीं कर रहे हैं तीन लोग जो है गलत जवाब दे रहे हैं चार लोग आंसर नहीं कर रहे हैं हम्म दो लोग नहीं कर रहे हैं सॉरी कवि की ठीक है गंग कवि की चंद्रचंद वर्ण की महिमा बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है देखना ये वाला भी इसको आप याद रखिए शुक्ल के अनुसार ये पहली रचना रही है रहीम रहीम तो है आपके ये भी दरबारी कवियों के अंतर्गत ही आते हैं देखना रहीम जो अब्दुल रहीम खान खाना खान खाना की उपाधि अकबर ने इन्हें प्रदान की थी एंड दूसरी चीज याद रखनी इनकी नगर शोभा वगैरह जो रचनाएं रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है उसको भी आप याद रखें मदनाष्टक वगैरह वगैरह ठीक है राम प्रसाद निरंजनी तो इनकी थी भाषा योग वशिष्ठ जिसे हिंदी की प्रथम परिमार्जित कृति माना गया था यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही माना था कि हिंदी की, की प्रथम मतलब रही? रही की की महिमा ये पहली रचना मानी जाती है लेकिन ये शुद्धता के आधार पर नहीं ऐसे ही इसको माना जाता है राजा श्री प्रसाद की बहुत सारी रचनाएं रही है चाहे आपकी इतिहास तीम नाशक हो आलस्यों का कोड़ा हो गया ठीक है उनको भी आप साथ साथ में याद रखें यहां पर है सही क्रम आपको बताना है चलिए देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न को सही से करते हैं और एक बार आप इसको ढंग से देख लीजिए इस तरीके के प्रश्न आपको पीजीटी कमीशन में रहेंगे एलटी कमीशन में ऐसे प्रश्नों को वैसे आज तक तो कम पूछा गया है लेकिन अब आप जहां तक देखते हैं कि आपको जो इवेलुएशन uh, है वो हटा दी गई है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो आपको ये तैयार रहना है एलटी कमीशन के लिए भी ठीक है तो आसान सा है ये वाला प्रश्न और इसको भी आपने आई थिंक किया तो होगा ही हिंदी के विकास क्रम में जो भी आपकी सभाएं और जो भी ये संस्थाएं रही हैं इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा एंड इनको भी आप ध्यान रखिए यहाँ से प्रश्न आता है देखना ठीक है चाहे आपकी पत्र पत्रिकाएं रही तो पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसको भी आप एक बार जरूर देखना खासकर जो आधुनिक पत्र पत्रिकाएं रही या फिर युगिन पत्र पत्रिकाओं को जरूर पूछा जाता है या बिल्कुल जो प्रारंभिक पत्र पत्रिकाएं रही हैं वहां से प्रश्न रहेगा आपको देखना ठीक है तो इनको आप जरूर याद रखें कि कौन कौन सी इसमें महत्वपूर्ण तो रहने वाली है चलिए देखते हैं कितने लोगों ने ये ठीक किया है किरण ने जी शिवानी शर्मा पूजा मंजू एंड मोनिका सिर्फ पांच लोगों ने बहुत सारे लोग जो है इसको गलत कर रहे हैं ये स्वाभाविक सी बात है कि इस वाले इस तरीके के प्रश्न जो करते करते है पर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था एंड ये काम आपका एकदम से हो जाना था तो सबसे पहले आ रही आपकी कविता वर्धनी सभा भारत हरिश्चंद्र अठारह के आसपास ठीक है दूसरे नंबर पर नागरी प्रचारणी पत्रिका तो देखिए नागरी प्रचारणी सभा अगर होता तो अठारह सौ था लेकिन नागरी प्रचारणी जो पत्रिका रही अठारह सो में रही अठारह सो सत्तर एंड दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ये रही आपकी 1915 में जबकि हिंदी साहित्य परिषद ये रहे आपके जो पुरुषोत्तम दास टंडन जिन्हें हिंदी का प्रहरी भी कहा जाता है ये चीज भी आपको याद रखना है ठीक है तो ये भी आप याद रखें कि ये जो आपका लगभग आजादी के बाद की रचना मानी जाती है मतलब आपका संस्था मानी जाती है जिसे पुरुषोत्तम दास टंडन ने चलाया था ठीक है तो सबसे पहले कविता वर्धिनी सभा एक्टली exactly हिंदी साहित्य परिषद की जो डेट है देखना ये नहीं मिलती है लेकिन बहुत लेट अठारह सौ बयासी तेरासी के आसपास ही तो पुरुषोत्तम दास नायण ना ना का जन्म हुआ था तो स्वाभाविक सी बात है कि सैतालीस के आसपास इन्होंने सौ पचास के आसपास इन्होंने ये सभा या संस्था चलाई है ठीक है तो ये ध्यान रखना देखना बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये कविता वर्धनी सभा से ही आपको याद रखना था कि सबसे पहले भारत हिंदा ऋष्चंद्र ने चलाई लेकिन दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ये तो बहुत लेट आई जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई थी देखना ठीक है

आराम से देखिए कि सबसे पहले कौन आएगा और सबसे लास्ट में कौन आएगा ऐसे प्रश्न आपको जरूर रहेंगे देखना एंड ये प्रश्न आपका थोड़ा सा दिमाग को हिला देंगे है ना हिलाने का मतलब है कि आप जो है थोड़ा सा इसमें सोचेंगे बाकी तो ये बहुत आसानी है ठीक है नेहाताखी पूजा देवी मोनिका ठाकुर प्रियंका शिवानी शर्मा एंड मधु शर्मा छह लोग ठीक कर रहे हैं बाकी लोग यहाँ पर गलत कर रहे हैं चलिए क्यों कर रहे हैं गलत अभी लग जाएगा पता लल्लू लाल अठारह सौ दो में नियुक्ति मिल गई थी सिंपल सी बात है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद अठारह सौ तेईस में आए ये बहुत लेट आए राजा लक्ष्मण सिंह राजा लक्ष्मण सिंह अठारह सौ छब्बीस भारत हिंदू अठारह सौ पचासी सॉरी अठारह सौ पचास ठीक है अठारह सौ पचासी में तो मृत्यु हो गई थी ठीक है तो लल्लू लाल अठारह सौ दो फोर्ट विलियम कॉलेज अठारह सौ में बना था तो उस टाइम ये थे ठीक है ध्यान रखना है आपको राजा शिव प्रसाद सितारे इन तो बहुत लेट आए ठीक है फिर उसके बाद आप देखेंगे राजा लक्ष्मण सिंह उसके बाद आए फिर भारत हरिश्चंद्र आएगा इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है देखना लल्लू लाल जो है सबसे पहले आ जाएगा नेक्स्ट आता है सही क्रम आपको बताना है मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो भी ये समाज है देखना यहाँ से रिलेटेड आपको एक आधा प्रश्न जरूर पूछा जाता है या इसके संस्थापक कौन थे या फिर इनको इस तरीके से क्रमानुसार लगाने के लिए पूछा जा सकता है चलिए देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न को ठीक करते हैं और ऐसे प्रश्न आपको थोड़े से कंफ्यूजिंग हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों का मोरल यहाँ से भी डाउन होता है कई बार यार मुझे आ ही नहीं रहा है तो ऐसा नहीं है आपको इतनी सारी चीजें नहीं आएंगी इनसे आपके जो और प्रश्न बनेंगे उनको करना है ठीक है देखिए इस क्वेश्चन को देने का मतलब यह है कि अगर आपको अभी ये नहीं भी आ रहे हैं तो आप उन चीजों को देख सकते हैं फिर से कर सकते हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं है ना तो यहाँ से बिल्कुल बिखर नहीं जाना है इंदु बाला गुड इवनिंग अच्छे से कीजिए इस प्रश्न को है ना आसान सा प्रश्न है ये बहुत ही आसान प्रश्न है एंड इनके प्रवर्तकों के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो इसके प्रवर्तक रहे हैं मंजू देवी एंड पूजा मोनिका एंड रेखा सिर्फ चार लोगों ने आंसर किया है मतलब ये भी किसी ने नहीं पढ़ा देखिये जो चीजें मैंने आपको कही है ना मतलब वो किसी ना किसी चीज को ध्यान में रखते हुए या फिर आपको मतलब उन चीजों को देखना ही देखना है जो मैंने आपको पहले ही बता दी है अगर वो नहीं देखनी है उपकार की बुक से देख रहे हैं वहां पर भी दी हुई है कोई दूसरी बुक आप देख रहे हैं वहां सब जगह आपको ये चीजें मिलती है हिंदी के विकास क्रम में ठीक है जो सबसे पहले आया ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी जो आपका ये राजा राम मोहन राय रहे 1828 में आर्य समाज 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी अठारह में आया देखिए और रामकृष्ण मिशन अठारह में राम में रामकृष्ण मिशन ये जो आपके विवेकानंद जी रहे थियोसोफिकल सोसाइटी ब्लाटस की की एंड जो आपका अलकौट रहे उनके द्वारा लेकिन भारतवर्ष में मदर टेरिसा ये याद रखना है एंड आर समाज के संस्थापक ये आप सब लोग जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और इसलिए इन्होंने जो आर एस माजी रहे हैं उन्होंने हिंदी को क्या कहा था आर्य भाषा उन्होंने उसको कहा था और इनकी जो इंपॉर्टेंट रचना आती है देखना वो सत्यार्थ प्रकाश अठारह की रचना है उसको भी कई बार पूछा जाता है तो ये भी आपको याद रखनी है ठीक है तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है देखना यहाँ से याद रखना है ये बहुत ही आसान चीज है ये और ये बेसिक्स चीजें हैं ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं जब आप जनरल नॉलेज की चीजें देखते हैं तो वहां पर भी आपको ये प्रश्न जो है वो दिख जाते हैं चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर आर एसमाज तथा अन्य धार्मिक आंदोलनों के कारण हिंदी भाषा तथा गद्य शैली का विकास हुआ यह निर्विवादित है तो मुझे लगता है कि ये वाला कथन ना तो आपको मैंने बताया था और ना ही आपको ये कभी बहुतों को पता होगा तो इसका जो सही आंसर होगा देखिए ये होगा लक्ष्मी सागर वार्षण ने ये नाम आपने याद रखना है इसने कहा था ये इसके विकास क्रम में हिंदी भाषा और गद्य शैली के विकास से संबंधित ठीक है तो याद रखना है आपको ये लक्ष्मी सागर और जितने भी नाम यहाँ पर रामविलास शर्मा हो गया सुनीति कुमार चटर्जी हो गया ये नाम भी इंपॉर्टेंट है देखना इनकी भी कुछ एक मान्यताएं और स्थापनाएं है रही हैं तो ये आपको आगे आगे धीरे धीरे कालांतर में देखने को मिलेंगी जो आपका रामविलास शर्मा है इसने नवजागरण के संदर्भ में बहुत कुछ कहा है ये चीज ध्यान रखना है सुनीति कुमार चटर्जी इसने भाषा नीति के संदर्भ में कुछ चीजें कही हैं ठीक है तो अभी आपके काम की वो नहीं है अगर आप थोड़ा सा और बड़े एग्जाम की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको उन चीजों को याद रखना है सॉरी <स्थ> <स्थ> चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर हिंदी भाषा और कालचक्र के लेखक कौन है यह प्रश्न बहुत ही आसान है वेरी वेरी सिंपल सा प्रश्न है ऐसा लग रहा है मुझे सिर्फ सत्रह लोग क्लास में पहुंचे हैं बाकी लोग इधर उधर हो रहे हैं सत्रह का मतलब है सत्रह तेरह लोग जो हैं क्लास में नहीं आ रहे हैं और इस प्रश्नोत्तरी का आनंद वो नहीं ले रहे हैं तो आई होप कि सारे लोग साथ साथ में इंजॉय भी कर रहे होंगे इस चीज को अगर गलत भी हो रही है चीजें तब भी ठीक ठाक से चल रहा होगा काम है ना चलिए देखते हैं कितने लोग ठीक करते हैं इसको आसान प्रश्न है ये बहुत ही आसान प्रश्न है मंजूर रेखा बिंता बहुत अच्छे ग्यारह छह लोग गलत कर रहे हैं क्या बात है छह लोग गलत कर रहे हैं देखिए हिंदी भाषा और कालचक्र कालचक्र की भूमिका में ही तो इसने कहा था कि हिंदी नई चाल में डली सन अठारह सौ हिंदी भाषा इसकी लघु पुस्तिका है देखना हिंदी भाषा बहुत छोटी सी पुस्तक है ये इस बात को भी आपने याद रखना है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की नहीं है ये एंड राजा लक्ष्मण सिंह की तो तीन ही है अब ये आपको आ जाती है वो आपको बताई हुई है ठीक है आसान सा शुक्ल के अनुसार अपने समय के सिद्धस्त लेखक कौन थे यस कौन कर रहा है यस सर आपने कहा था जो कालचक्र है ये इसका निबंध है पर मैंने अभिनव की बुक में पढ़ा ये इसकी क्या है डायरी है कुछ कैसा लिखा था उसमें डायरी लेख मतलब आप इसको लेख के तौर पर रखना है याद ठीक है <laughs> चलिए इसको देखना आपने है ना अभी वैसे देखिए जो कुछ एक रचनाएं हैं जैसे प्रारंभिक जैसे आपने इसकी नाम ये जो आपका क्या नाम था उसका दूसरा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भी आपने एक रचना पूछी थी लेकिन उसके बारे में एग्जैक्टली exactly कोई चीज नहीं पूछ मिल रही है वहां पर सिंपली ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है कि इन्होंने ये ये रचनाएं है, रची हैं जो मेरे पास ये रामचंद्र तिवारी वाली बहुत ऑथेंटिक बुक है देखना इसमें भी नहीं मिल रहा है ये चीज लेकिन ये जो शुक्ल ये जो आपका आपका कालचक्र वाली बात है तो इसमें इसको सिंपली क्या बताया गया है कि इनका एक निबंधात्मक लेख है जिस तरीके से हम भारत भारती को भी तो मानते हैं ना निबंधात्मक काव्य हालांकि वो काव्य के अंतर्गत आती है तो यही चीजें हैं बहुत सारी चीजें आप देखेंगे जैसे डायरी की कुछ संस्मरण में भी आती है रचनाएं जैसे सैलानी की डायरी है राजेंद्र अवस्थी की तो ये हम संस्मरण में भी देखते हैं और उसकी डायरी शैली में भी देखते हैं तो इस तरीके की कुछ रचनाएं रह रहेंगी उसमें आपको इसका मुझे नहीं लगता कि इसका जो आपको पूछा जाएगा कि इसकी विधा क्या है पर इतना आपको जरूर याद रखना है कि वो रचना किसकी है ओके ये ध्यान रखना है आपको है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शुक्ल के अनुसार अपने समय के सिद्धस्त लेखक कौन थे ये वाला प्रश्न देखना बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि किसके लिए इसने कहा था कि ये अपने समय के सबसे हिंदी के सशक्त और सिद्धस्त लेखक रहे चलिए ये आसान प्रश्न है ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है और ये जितने भी नाम यहाँ पर हैं देखना ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और इन्होंने हिंदी भाषा के विकास क्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान तीनों लेखकों ने दिया हुआ है तो मेरे अनुसार इसका सही आंसर होना चाहिए विकल्प नंबर तीन चलिए आप लोग देखते हैं कितने करते हैं मंजू मोनिका नैन सी बिन दस लोगों ने ठीक किया है सात लोगों ने जवाब कर दिया है गलत चार लोग गए हैं ए की तरफ एंड तीन लोग गए हैं सी की तरफ नीलमा एंड कविता एंड पूजा चलिए कोई बात नहीं जो यहां भी गया है तो ये श्रद्धाराम फिलौरी के लिए इन्होंने कहा था जिन्होंने ओम जय जगदीश्वर आरती की रचना की थी सबसे पहले और इसके लिए इन्होंने कहा कि अपने समय के सिद्धस्थ लेखक रहे हैं ठीक है इंपॉर्टेंट है देखना ये वाला कथन भी और श्रद्धाराम फिलौरी इन्होंने हिंदी साहित्य का जो मतलब आपकी जो रचना रची इन्होंने कौन सा था भाग्यवती उपन्यास 1877 में है ना जो ये विषय वस्तु की नवीनता की दृष्टि से हिंदी का प्रथम उपन्यास उसको माना जाता है ये बात भी आपको याद रखनी विजय शंकर मल्ल इसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं फिर दूसरी चीज नवीन चंद्र राय इसने भाषा और जो आपके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी के चलते इसने अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की थी देखना ये वाला प्रश्न भी इसका पूछा जाता है ज्ञान प्रदाय पत्रिका रही उसके ये संपादक भी रहे हैं ये चीज भी रही जिसने बनारस अखबार पत्रिका का इसने जमकर उसमें विरोध किया है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद जी का बात तेंदु हरिचंद्र सिंह खैर आपको बहुत सारी चीजें आती रहती है नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना रही है चलिए देखते हैं कि ये वाला प्रश्न कितने लोग ठीक करते हैं बहुत ही आसान प्रश्न है नासिकेतोपाख्यान के, तो के रचयिता कौन है ये प्रश्न तो सबको आना ही चाहिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है नासिकेतोपाख्यायन के, तो के रचनाकार कौन रहे हैं बहुत ही इजी प्रश्न है, है ग्यारह लोग ही आंसर कर रहे हैं सात लोग अभी तक सोच विचार में ही डूबे हैं चलिए दो लोग रह गए सोलह ने दे दिया आंसर दो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं कौन कौन नहीं कर रहा है अभी पता लग जाएगा कोशिश कीजिए सब लोग सही करने की सही गलत जैसा भी हो जाए पर एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कीजिए सत्रह लोगों ने कर दिया है एक आंसर नहीं आया है किसका आंसर नहीं आया यही देखना है अच्छा इसमें तो सारे लोग शो कर रहे हैं कि सबने कर दिया मोनिका ठाकुर मंजू एंड बिंता बहुत अच्छे नौ लोगों ने ठीक किया नौ लोगों ने इसको गलत कर दिया पांच लोग जो है बी की तरफ गए हैं चार लोग जो है डी की तरफ गए हैं लाल की प्रेम सागर यहां तो जाना ही नहीं था इंशाला खां इनकी कौन सी रही उदय भान चरित जिसको रानी केत की कहानी कहते हैं सदल मिश्र की रही नासिकेतोपाख्यायन तो ये दो कट जाएंगे ये भी आपका कट जाएगा सदा लाल की रही सुख सागर याद रखना है ये जो हिंदी के प्रारंभिक चार आचार्य रहे हैं इनके चारों की रचनाएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वहां से आपको जरूर प्रश्न पूछा जाएगा नासिकेत तो उपाख्याय चंद्रावली के नाम से भी जानी जाती है ये रचना इसको भी आपने याद रखना है इंशाला खां की रानी केत की कहानी उदयभान चरित लल्लू लाल की प्रेम सागर प्रेम सागर को किस नाम से जाना जाता है नागरी दशम के नाम से भी जाना जाता है ये चीज भी आपको याद रखनी है ओके सदा सुख इन्हें नियाज के नाम से भी जाना जाता है इस नाम को भी याद रखना है आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां पर हिंदुस्तानी को साहिबाना या पादरियाना भाषा किसने कहा है हिंदुस्तानी को साहिबाना या पादरियाना भाषा कहने वाले कौन से विद्वान रहे हैं चलिए देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही करेंगे और कितने लोगों को ये बात भूल गई है कौन कौन लोग हैं जो इस प्रश्न को भूल गए हैं अभी पता लग जाएगा <laughs> हिंदुस्तानी को साहिबाना या पादरियाना भाषा किसने कहा था अब जो हिंदुस्तानी रही वो क्या था ये वाला प्रश्न भी आपको आ सकता है तो यहां पर आपको सिंपली याद रखना है देखना जो साहिबाना या पादरियाना भाषा रही वो अः कौन सी रही सिंपल सी बात है जो अरबी फारसी मिश्रित शब्दावली मिश्रित जो रही हिंदुस्तानी जो रही मतलब उसे ही क्या कहा गया आपका साहिबाना या पादरियाना ठीक है तो ये किसने कहा था ये मंजू देवी या नैनसी नेहा ताकी पांच लोग ठीक कर रहे हैं बाकी लोग जो है सारे जो बारह लोग हैं वो गलत कर रहे हैं तो ये इन दोनों ने कहा था वीरेश्वर चक्रवर चक्रवर्ती और जो आपका बाल मुकुंद गुप्त इन दोनों ने कहा था इसे हिंदुस्तानी को साहिबाना या पादरियाना मुझे लगता है कहीं मैंने आपको पहले विश्वेश्वर पंडित तो नहीं बता दिया था लाइव क्लास में उसको आपने ठीक कर लेना है अगर वहां पर विश्वेश्वर पंडित बताया हो इसीलिए ये प्रश्न यहाँ पर रखा गया है देखना वीरेश्वर चक्रवर्ती ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा ये नाम इसलिए आप इसको ठीक कर लेना वीरेश्वर चक्रवर्ती ना कि विश्वेश्वर पंडित याद रखना है देखना यहाँ पर इन दोनों ने ही क्या कहा इसको आ, साहिबाना या पादरियाना कई बार ये आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि साहिबाना या पादरियाना भाषा बाल गुप्त और वीरेश्वर चक्रवर्ती ने किस भाषा को कहा तो आपको याद रखना है कि हिंदुस्तानी को कहा हिंदवी को कहा या फिर जो आपका आधुनिक हिंदी है उसे कहा तो यहां पर याद रखना है जो हिंदुस्तानी रही जो अरबी फारसी मिश्रित भाषा रही है उसे ही इन्होंने क्या कहा सहीवाना या कहा या भाषा है यहां है नेक्स्ट क्वेश्चन पर पर आपकी स्क्रीन पर, किस प्रारंभिक आचार्य की भाषा संस्कृत मिश्रित हिंदी थी ये वाला प्रश्न तो बहुत ही आसान सा है क्योंकि भाषा वाले प्रश्न को मैंने आपको पहले ही बता दिया था ठीक है चलिए देखते हैं कितने लोग इसको ठीक करते हैं संस्कृत मिश्रित हिंदी जो प्रारंभिक आचार्यों में से किसकी भाषा रही है बहुत ही आसान है इनके नाम से ही पता लग रहा है कि किसकी जो है संस्कृत हो सकती है और किसकी जो है कुछ और हो सकती है इन चारों की भाषा आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इनकी भाषा नीति से संबंधित प्रश्न भी आपको जरूर रहेगा जब आप हिंदी के विकास क्रम की बात करते हैं और बहुत सारे लोग देखना इन चारों नामों को छोड़ देते हैं और यहाँ से हम पढ़ते ही नहीं है ठीक है तो ये बात आपको एक बार अब ध्यान रख लेनी है कि कैसे आप इसको सही तरीके से याद रख सकते हैं कि प्रारंभिक आचार्य रहा और उसकी भाषा जो रही संस्कृत मिश्रित हिंदी थी चलिए मंजू रेखा एंड मोनिका एंड आशा अंजना पांच लोग ठीक कर रहे हैं और तेरह लोग गलत कर रहे हैं चलिए अच्छी बात है एटलीस्ट कर तो सारे रहे हैं देखिए लाल की प्रेम सागर प्रेम की बात जहां पर भी आएगी कृष्ण से समझना है कृष्ण जहां पर भी रहेगा समझ लीजिए कि ब्रज कनेक्ट कीजिए इसको ठीक है सदन मिश्र नासिके तोन इसने इसकी रचना की थी इसमें पूर्वीपन हिंदी रही ठीक है और दूसरी चीज याद रखना कि बिहारी का पुट भी इसकी भाषा में देखने को मिलता है जो सदन मिश्र रहे हैं इंशाला खां इंशाला खां की रही मुहावरेदार चटकीली मटकीली भाषा ठीक है ये याद रखना इनके नाम की तरह ही चटकेली लिए मटकेली लिए। सदा सुखलाल नियाज के नाम से जाने जाते थे इनकी एक पंक्ति आती है रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया भाखा से ही अभिप्राय था यहाँ पर संस्कृत और यहीं से याद रखना कि संस्कृत निश्चय हिंदी और इसीलिए इसने बोला कि संस्कृत से लोगों का अब जो रिवाज है वो उठता गया है तो इस तरीके से आपको यहां ये याद रख लेना था सदा सुखलाल हिंदी के समर्थक इनमें से नहीं थे ये प्रश्न तो आंख बंद करके आ सकता है आंख बंद करके ये प्रश्न जो किया जा सकता है इसके लिए कोई आपको टाइम नहीं मिलेगा इसको आप बस अटेम्प्ट कीजिए और अगले प्रश्न की ओर रुख कीजिए अब देखना ये है इस प्रश्न में गलत कौन करता है इसको हिंदी के समर्थक जो नहीं थे वो कौन है बहुत ही आसान सा प्रश्न है मुझे तो इसका आंसर अभी दिख रहा है ठीक है चलिए देखते हैं कितने लोग इसका आंसर जो है वो ठीक करते हैं और कौन कौन इसको गलत करेगा जो गलत करेगा वो आंखें बंद किए हुए है अपने ज्ञान इंद्रिया उसने बंद कर ली है ऐसा प्रतीत हो रहा है चलिए 18 के 18 लोगों ने अटेम्प्ट किया बहुत ही अच्छी बात है एंड प्रियंका मधु शर्मा इंदुबाला नैन्सी बहुत बढ़िया 10 लोग तो है बिल्कुल ठीक बाकी लोग थोड़ा सा गड़बड़ा गए हम्म एक बी की तरफ गया दो लोग जो है, oh है? चलिए, एक और तीन नहीं होगा सितारे हिंद कोई हिंदी के समर्थक थे हिंदी विरोधी थोड़ी ना थे लेकिन इन्होंने हिंदी के लिए सिर्फ इतना कहा था कि हिंदी कैसी होनी चाहिए हिंदी में जो आपके जिस तरीके की आज के समय में हम अंग्रेजी का इस्तेमाल करने के करते हैं और हम थोड़ा सा खुद को गंवरूपन से हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो है नहीं है कि ऐसा माना जाए कि जो हिंदी बोल हिंदी के साथ अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करेगा कि वो बहुत पॉश पर्सनैलिटी है या कुछ जबरदस्त है ऐसा नहीं है अगर हम सही तरीके से हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो गंवारूपन की निशानी नहीं है और इसी के चलते तो इसका विरोध हुआ था इसने बोला कि हिंदी तो ठीक है ने लेकिन ये अरबी फारसी मिश्रित जो भाषा रही या उर्दू मिश्रित जो हिंदी थी उसका पक्षधर था चीज याद रखना है इसीलिए यहाँ पर प्रश्न प्रश्न रखा गया था था आसान लेकिन आप इसमें थोड़ा सा गच्चा खा गए चलिए कोई बात नहीं अगला प्रश्न देखते हैं देशवाली किस बोली का अन्य नाम है बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये वाला भी देशवाली किस बोली का अन्य नाम ये आपको बुक में सारे दिए हुए हैं जितनी भी भाषाएं यहाँ पर रखी गई हैं बोलियां सॉरी भाषाएं नहीं बोलियां जो भी यहाँ पर रखी गई हैं उन सब से देखिए बोलियों वाला जो भी आपका चैप्टर है ना ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, है ना आपको उपभाषा भी पता होनी चाहिए और आपको अपभ्रंश का भी यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए तो ये प्रश्न तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भाषा वाला प्रश्न आपको किसी भी पेपर कोई भी पेपर किसी भी स्टेट का दे दीजिए आपको यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है ठीक है चाहे यूपी टैट दे दीजिए राजस्थान का कोई पेपर दे दीजिए वहां पर आपको भाषा से संबंधित जरूर प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है देखना देशवाली किस बोली का अन्य नाम है मंजू कह रहे हैं ठीक है, है मोनिका कह रहे हैं नेहा कह रहे हैं अच्छा ओके दस लोग ठीक कर रहे हैं छे लोग गलत कर रहे हैं छे लोग क्यों कर रहे हैं गलत गलत करने की कोई बात ही नहीं है इसमें देखिए देशवाली इसे कहा जाता है हरियाणवी और जाटू ठीक है दो नाम बांगरू के नाम से भी जाना जाता है इसे ये भी आपको याद रखना है ब्रज को कहा जाता है आपका अंतर्वेदी याद रखना है ब्रज प्रदेश जो यमुना नदी के भाग के सब सा, के साथ वाला जो स्थान है अंतर्वेद के नाम से जाना जाता है इसलिए कहा जाता है। अब भी इसको हम बैसवाड़ी और कौशली के नाम से भी जानते हैं और बघेली इसे रिवाई के नाम से भी जाना जाता है बघेली का मतलब क्या है रिवाई ध्यान रखना है ये वाला प्रश्न देखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आसान सा प्रश्न है पत्र व्यवहार में द्विभाषिक नीति का पालन करने वाला प्रांत कौन सा है द्विभाषिक नीति का मतलब हुआ ख श्रेणी के राज्य चलिए मैंने बहुत ही आसान यहाँ पर आप क्लिक कर दिया आपकी ख श्रेणी का राज्य निम्नलिखित में से कौन कौन सा है आपको ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है दूसरा प्रश्न ऐसे ही बनेगा यहाँ पर आपको कि जो ख के राज्य होते हैं वो अपना पत्र व्यवहार जो है किस किन भाषाओं में करते हैं दो भाषाओं में एक वहां की अपनी क्षेत्रीय भाषा दूसरी जो आपकी अंग्रेजी में ठीक है तो उन्हीं को हम क्या है ख के राज्यों के अंतर्गत रखते हैं जबकि ख के राज्य जो अपनी एक हिंदी में ही अपना जो पत्र व्यवहार एक राज्य दूसरे राज्य से करता है बाकी इसके अलावा ग्रेणी के अंतर्गत जो आते हैं जो बच जाते हैं वो सारे के सारे हम किस में रखेंगे घेणी के राज्यों में रखेंगे तो आपको यहाँ पर सिंपल याद रखना है कि पत्र व्यवहार में द्विभाषिक नीति किसने चलाई चलिए देखते हैं कितने लोग ठीक कर रहे हैं मंजू कह रहे हैं कि ठीक है आशा भी कह रहे हैं ठीक है तीन लोग ही सही कर रहे हैं चार लोग इंदु एंड रेखा बाकी तेरह लोगों ने पता नहीं क्या किया इसका आंसर गुजरात होना चाहिए दिल्ली और मध्य प्रदेश ये तो श्रेणी के हैं हम दिल्ली के राजा हिरणो संघ विहार करते हैं हम से एच यू एम एच से हिमाचल यू से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मां से मध्य प्रदेश सिंपल सी बात ही मध्य प्रदेश और दिल्ली तो होना ही था हम दिल्ली के राजा हम से दिल्ली से दिल्ली राजा से राजस्थान बिहार से बिहार तो ये सारे हिंदी भाषी हो जाएंगे कश्रेणी में आ जाएंगे इस तरीके से याद रखना गुजरात जो है वो आपका कश्रेणी का राज्य है सिंपल सी बात है सभी त तो होना ही नहीं था ठीक है चलिए आठवीं अनुसूची में शामिल भाषा कौन सी है जो आपकी आठवीं अनुसूची है उसमें शामिल भाषा कौन सी है ये प्रश्न और यहां से भी आपको जरूर प्रश्न पूछा जाता है देखना भाषा आठवीं सूची में शामिल भाषाओं से हमेशा आपको प्रश्न पूछा जाता है पहले तो आपको ये याद रखना है कि अनुसूची में शामिल कितनी भाषाएं रही भाषाएं रही हैं और भारतवर्ष की कोई भी एक एकमात्र भाषा जो राष्ट्रीय भाषा नहीं है यहाँ पर बाईस भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है ये चीज भी आपको याद रखनी है और उनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी मैथिली मैथिली क्या है एकमात्र ऐसी बोली रही है जिसे भाषा के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया है बहुत सारे लोग कहेंगे कि खड़ी बोली भी तो हिंदी है लेकिन खड़ी बोली जो है वो भाषा नहीं है वो हमारी बोली ही रही है लेकिन हम संकुचित अर्थ में आज के समय में देखते हैं कि खड़ी बोली को हम क्या मानते हैं अपना भाषा मान बैठते हैं तो ये चीज भी आपको याद रखना है तो भाषा के अर्थ में तीन आधारों पर भाषा का अर्थ किया जाता है ये भी देखना है आपको नीलम देवी इंदुबाला मंजू चार लोगों ने इसको ठीक किया है बाकी लोग इसमें तेरा यहां पर भी गलत कर रहे हैं एक की तरफ सात लोग गए हैं अच्छा भोजपुरी आठवीं सूची में शामिल है नहीं है भोजपुरी तो नहीं होनी चाहिए गोंडवी भी नहीं है अंग्रेजी भी नहीं है तो कोई भी नहीं था इसमें नोटा नाना तो अब अब। नोटा का मतलब रहेगा ये वाला लखनऊ सीतापुर जौनपुर किसके बोली क्षेत्र है चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कितने लोग ठीक करते हैं बोली क्षेत्र मैंने पहले भी कहा था आपको तीन प्रमुख बोलियां हैं उनके आपको बोली क्षेत्रों के बारे में पता होना चाहिए और यहाँ पर तीनों ही रखी गई हैं देखना कन्नौजी इसमें नहीं है चलिए ये मैंने आपको बता दिया कन्नौजी इसमें नहीं है ठीक है पर जिसने अब चार उसके बावजूद भी करना है उसके लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है ठीक है चलिए देखते हैं कितने लोग अब इसका आंसर जो है वो ठीक करते हैं तो यहां पर कह रहे हैं कि लखनऊ सीतापुर लखीमपुर खीरी बहराइच गोंडा बाराबांकी ये जो है ये किसकी बोली क्षेत्र है सारे मैंने बता दिया अब इसके चलिए शायद अब तो याद आ गया होगा पूजा रेखा मंजू किरण नील, नीलम नीलम इंदुबाला बहुत अच्छे बहुत अच्छे बारह लोगों ने ठीक किया पांच लोग जो है इसका आंसर गलत कर रहे हैं पांच लोग क्यों कर रहे हैं गलत गलत नहीं होना चाहिए है ना यहाँ पर ये तो था ही नहीं ठीक है बावजूद तो इसके किसी ने किया तो अच्छी बात है कौरवी कौरवी का नहीं होना था कौरवी में क्या था कौरवी का आपका सहारनपुर देहरादून मुजफ्फरनगर मेरठ है ना गाजियाबाद ठीक है दिल्ली ये क्या रहेंगे ये रहेंगे आपके खड़ी बोली हिंदी के मतलब कौरवी के अवधि के रहेंगे आपके लखनऊ सीतापुर लखीमपुर खीरी जोनपुर पहराइच गोंडा बाराबंकी अयोध्या वगैरह वगैरह ठीक है तो ये ध्यान रखना है आपको अवधि एंड uh, ब्रज भाषा ये तो मैं इसकी तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी तो यहां से तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी थी नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश की कितनी बोलियों को गूगल लैंग्वेज में शामिल किया गया है आसान प्रश्न ये भी आपको बताया हुआ है कि कितनी बोलियां ऐसी रही हिमाचल की जिन्हें गूगल लैंग्वेज में शामिल किया गया है शाबाश 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 अठारह के अठारह लोग आंसर तो आज सारे कर रहे हैं चलिए खुशी की बात तो ये है ठीक है बाकी चीजें बाद में पूजा देवी मंजू आशा बहुत अच्छे आठ लोगों ने ठीक किया है दस लोगों ने गलत किया है तो इसका आंसर था तीन जिसमें आपकी कांगड़ी चम, आपकी, आपकी, आपकी मंडियाली एंड एक आपकी रहेगी महासुचो हिमाचल ये शिमला जिले वाली है ठीक है इनको ध्यान रखना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर किसने कहा है प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर कहने वाले विद्वान कौन रहे ये प्रश्न आपने डिस्कस किया हुआ है पिछले कल भी हमने इसको डिस्कस किया था ये सब का अब ठीक होना चाहिए मतलब इसका मतलब अगर कोई गलत करेगा तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो क्लास में अटेंटिव नहीं है आज मेरा गला कुछ साथ नहीं दे रहा है पता नहीं क्यों चलिए देखते हैं कितने लोग इसको ठीक कर रहे हैं अठारह लोग हैं क्लास में बारह लोग हैं क्लास के बाहर तो कहिए उन बहनों को भी बहने ही है इसमें सारी की सारी है ना बहनें माताएं ऐसा हो सकता है देविया पूजा देवी मोनिका एंड मंजू बहुत अच्छे चौदह लोग ठीक कर रहे हैं एंड चार लोग यहाँ पर गलत कर रहे हैं गलत क्यों कर रहे हैं ये वाला प्रश्न गलत कैसे हो सकता है कल ही तो डिस्कस किया था राजशेखर भरत मुनि ने कहा इसको मीठा ये प्रश्न देखिए आप ये ये बहुत आसान प्रश्न है इसको फिर से देख लीजिए खुद से देखिए बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किस पिटक में मिलता है महात्मा बुद्ध पाली भाषा से संबंध रहा ठीक है धर्म यहीं से ये प्रश्न भी है बुद्ध के जो रहे इनका वर्णन किस पिटक में मिलता है मैंने पहले ही कहा था कि आज के प्रश्न बहुत आसान से प्रश्न है पर अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर आसान चीज भी मुश्किल हो सकती है चलिए देखते हैं अभी क्या होगा इसका आंसर <coughs> मंजू देवी मोनिका आशा ठाकुर पूजा बहुत अच्छे नौ लोगों ने ठीक किया है एंड नौ लोग ही इसका आंसर गलत कर रहे हैं सुतपिटक पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश हैं विनय पिटक में संघ संचालन के नियम है अभी तक पिटक में जितने भी आपके धर्म रहे हैं उनका विशद विश्लेषण इसमें किया गया है ठीक है तो इस बात को याद रखना है आपको देखना आसान सा प्रश्न था ये यहां से आपको ठीक करना है पिटक में ही आपका कुदक निकाय आता है जिसके अंतर्गत जो आपका जातक कथाएं आती हैं ठीक है उसको भी आपको याद रखना है जातक कथाएं क्या रही बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को ही जातक कथाएं कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी है फाइव इनकी संख्या रही है ये वाला प्रश्न भी याद रख लेना है हिंदी के अलावा किस भाषा की लिपि देवनागरी रही है हिंदी के अलावा किस भाषा की लिपि देवनागरी है चलिए देखते हैं कितने लोगों को ये बात पता है ऐसी कौन सी भाषा रही इनमें से जिसकी लिपि देवनागरी है कश्मीरी है उड़िया है गुजराती है या फिर मराठी है आसान प्रश्न है ये वाला भी मेरे अनुसार तो यहां पर होना चाहिए क्या होना चाहिए मराठी होना चाहिए मेरे हिसाब से तो चलिए देखते हैं कितने लोग ठीक कर रहे हैं मुझे तो मराठी लग रहा है मराठी 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 मेरे अनुसार मराठी है मोनिका भी कह रहे हैं मराठी है मंजू भी कह रहे हैं इंदू भी कह रहे हैं अच्छी बात है आठ लोग ठीक कह रहे हैं बहुत सारे लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं था है ना चौदह लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं चौदह नहीं दस लोग बिन्ता को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है रेखा को नहीं है नीलम को भी नहीं है ओके अच्छी बात है तो मराठी की भाषा क्या रही लिपि क्या रही देवनागरी रही गुजराती की थी कैद थी उड़िया की रही आपकी जो Uh, मतलब जो ब्राह्मी लिपि है उसी का ही उत्तरी जो भाग है या मतलब उत्तरी रूप जो माना जाता है वो उड़िया का माना जाता है कश्मीरी की थी शारदा लिपि ठीक है कश्मीरी की क्या रहेगी शारदा लिपि रहेगी ये भी आपको याद रखना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला प्रश्न देखते हैं अपभ्रंश का प्रिय छंद प्रश्न आंख बंद करके इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं मिलेगी आपको कितनी ही बार बताया गया है इस प्रश्न को शुक्ल का कथन भी बताया है इसके संदर्भ में तो अब ये तो अब प्रश्न के आथारा लोगों को सही करना है जो गलत करेगा वो अभी किस चीज का भागीदार होगा पनिशमेंट की क्या पनिशमेंट दे सकते हैं ऑनलाइन पनिशमेंट चलिए अपव का प्रिय छंद शाबाश, सत्रह लोगों ने आंसर किया इसका पूजा मंजू एंड मोनिका ठीक है पंद्रह लोग ठीक कर रहे हैं दो लोग पता नहीं क्या किस दुनिया में हैं, बहुत गलत बात है बहुत ही गलत बात है प्रियंका आंसर ही नहीं कर रहे हैं इसका अब वंश का प्रिय छंद है दोहा दोहा चंद। दोहा या दुहा ठीक है ध्यान रखना है दोहा या दुहा ठीक है प्राकृत का प्रिय छंद कौन सा है प्राकृत का अपना जो छंद रहा या गाथा इसको याद रख लेना है आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका का संपादन भार किसने संभाला वाला प्रश्न आपको बताया हुआ है चलिए देखते हैं इसको कितने लोग आप ठीक करेंगे कि जब महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादन संपादन कार्य से हट गए तो उसके बाद किसने ये संपादन कार्य जो है संपादन का काम संभाला मोनिका ठाकुर मंजू देवी ताखी कितने लोगों ने सिर्फ तीन लोगों ने ठीक किया चलिए कोई बात नहीं देवी दत्त शुक्ल याद रख लेना इस प्रश्न को अब ना हो सकता है ये प्रश्न पूछा जाए आपको तो इसको एक बार आप जरूर याद रख लें इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी ठीक है ध्यान रखना इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत न आने वाली बोली देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आने वाली बोली पूछा गया है देखना ध्यान से रखना इस प्रश्न को याद और बोलियों वाला प्रश्न मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा यहां से आपको हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा देखना कि कौन सी बोली किस अपभ्रंश या फिर किस उपभाषा के अंतर्गत आती है उपभाषाओं को याद रखने की सिंपल से ट्रिक थी पूर्व और पश्चिम की पहाड़ी के राजा बिहारी हैं पूर्व और पश्चिम से याद रखना पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी पहाड़ी से याद रखना पहाड़ी हिंदी राजा से राजस्थानी हिंदी और बिहारी से बिहारी हिंदी और इस तरीके से ये पांचों आपकी क्या हो जाएंगी उपभाषाएं हो जाएंगी ठीक है ध्यान रखना इनको भी ये रखना पांच उपभाषाएं तीन अपभ्रंश जिसमें आपका शौरसैनी मागधी और अर्धमाघधी अपभ्रंश कर रहे हैं रेखा मोनिका नीलम आशा किरण नेगी मंजू इंदुबाला बिंता बहुत अच्छे ग्यारह लोगों ने ठीक आंसर किया है पांच लोग इसका आंसर गलत कर रहे हैं दो लोग गए हैं डी की तरफ एंड तीन लोग गए हैं सी की तरफ अवधि आना चाहिए इसमें ठीक है अवधि किसके अंतर्गत आता है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है है देखना ये ध्यान रखना अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है ना के अंतर्गत ये भी आपको याद रखना है अगर अपवि का पूछा जाएगा तो वो अर्धमाग् हो जाएगा अगर पूछी जाएगी अर्ध ये अवधि की जो उपभाषा तो याद रखना है यहाँ पर आपको पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते है ब्रज बुंदेली कन्नौजी हरियाणवी खड़ीबोली और दक्षिणी ठीक है इन इनको आपने याद रखना है देखना क ख ज फ यह है आगत दुनिया जिसके नीचे लगा होता है नुक्ता क्या कहते हैं इसको नुक्ता है ना क ख ज फ में नुक्ता लगाने की परंपरा ये हिंदी में किसने प्रारंभ की थी चलिए ये वाला प्रश्न है यहाँ पर कि देखते हैं कितने लोग हैं इस प्रश्न से वाकिफ बहुत ही आसान है बस एक बार आप इसको सही से देखेंगे तो आपको इसका आंसर इसी में ही मिल जाएगा बहुत ही आसान प्रश्न है ये ख में नुक्ता लगाने की परंपरा किसने आरंभ की थी दस लोग इसका जवाब बहुत आसानी से कर बैठे हैं चौदह लोगों ने दे दिया पंद्रह बहुत बढ़िया शाबाश आज बाकी दिनों की अपेक्षा देखा जाए तो जब बाकी दिन हमारे टेस्ट होते हैं या दूसरे ग्रुप्स में तो बहुत कम ऐसा हुआ कि सब लोगों ने अटेम्प्ट किया हो क्वेश्चन को तो मैक्सिमम लोग आज अटेम्प्ट कर रहे हैं ये अच्छी बात है प्रियंका बिंता एंड पूजा बहुत अच्छे नौ लोगों ने ठीक किया है नौ लोग इसका आंसर गलत कर रहे हैं तो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद रहे देखना ये उर्दू मिश्रित है मतलब ये उर्दू की जो बोलियां रही नहीं सॉरी जो रही हैं उनको यहाँ पर रखा गया है क ख ज ज फ फ ठीक है तो इस तरीके से जफ, अलग उच्चारण आता है इसका देखना जहां पर आपके अंदर से थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से आवाज निकलती है तो ये बात आपको यहाँ पर याद रख लेनी है जिसने ये कही थी इसमें हमारा कोष्ट जो है थोड़ा सा काम करता है तो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की क्योंकि यही क्या रहे उर्दू के ही पक्षधर रहे हैं उर्दू के नहीं बल्कि उर्दू मिश्रित हिंदी के पक्षधर दूसरी चीज ये याद रखनी है आपको कि जो राजा, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद रहे इन्होंने इसे आम फहम और खास पसंद भाषा भी कहा है ये वाला प्रश्न भी आपको पूछा गया था लास्ट टू तो लास्ट टाइम पेपर में ठीक है तो इसको भी ध्यान रखना है देखना लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर रहे और जो जॉन गिल क्राइस्ट द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान ये हिंदुस्तानी के पक्षधर रहे हैं इस बात को भी आप याद रखें चलिए यहां पर है असंगत युगम आपको बताना है नहीं नहीं रुकिए 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 संगत पूछा है संगत असंगत नहीं संगत युगम आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही है चलिए देखिए इस प्रश्न को बहुत ही आसान प्रश्न है ये वाला भी देखना एंड यहां पर एक रचना पूछी गई है एक आपको पत्रिका पूछी गई है और एक आपको जो समाज पूछा गया है अलग अलग चीजें हैं और उनके प्रवर्तक यहाँ पर बताए गए हैं साथ ही साथ रचनाकार बताया गया है या फिर आपका कुछ अलग चीज बताई गई है तो चलिए देखते हैं कितने लोग इसका नाम इसका आंसर जो है वो सही से देते हैं कितने लोगों ने दिया है अभी तक जवाब पंद्रह लोग दे रहे हैं सिर्फ तीन लोग नहीं कर रहे हैं मैंने थोड़ी सी तारीफ कर दी और तीन लोग जो है मुझसे खफा हो गए फिर चलिए तीन लोगों ने जवाब नहीं दिया कविता मोनिका अनिता तीन लोगों ने ठीक किया है कविता मोनिका अनिता क्या बात है बाकी लोग जो है बारह के बारह लोग गलत कर रहे हैं चलिए इतिहास तिमिर नाशक राजा सितारे हिंद गलत ठीक है वेद समाज केशव चंद्र सेन गलत गलत बंगदूत राजाराम मोहन राय ठीक है इतिहास तिमिर नाशक एक रचना रही है वेद समाज ये स्थापना किसने की थी केशव चंद्र सेन ने बंगदूत पत्रिका रही सदा सुखलाल न्याज की नहीं है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसके रहे राजा राम मोहन राय तो इस आधार पर ये जो नोटा कोई भी संगत नहीं है भाषा की विशेषता नहीं है तो ये वाली चीज भी हमने शुरुआत में ही पढ़ ली थी देखना कि भाषा की एक विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है ये प्रश्न तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है एटलीस्ट इसको तो सारे लोग सही कर लें भाषा की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है चलिए सबने किया है अच्छी बात है मंजू प्रियंका बिंता पूछा नौ लोगों ने गलत किया इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए था भाषिक संरचना सबकी समान कैसे हो सकती है नहीं हो सकती है है ना किसी की बनावट अलग से है किसी में श्रीरेखा लगती है किसी में नहीं लगती है किसी में आपके देखना कुछ शब्द जो है वो क्या है साइलेंट हो जाते हैं आ, कुछ वर्ण सॉरी शब्द नहीं लेकिन आ, हिंदी में जैसे हम देखेंगे सारे के सारे के वर्णों का उच्चारण हम एक साथ करते हैं कोई संयोगात्मक है कोई वियोगात्मक है तो भाषिक संरचना एक तरीके की नहीं हो सकती है कोई दाएं से बाएं की ओर कोई बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है इस तरीके से भी तो हम देखते हैं तो ये बात क्या है ये एक विशेषता नहीं है भाषा की ठीक है तो भाषिक संरचना पृथक होती है ये ध्यान रखना है आपको पृथक भाषिक संरचना क्या आएगी पृथक आएगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने माना कि संस्कृत में बावन ध्वनिया है ऐसे कौन से लेखक रहे जिसने ये माना कि संस्कृत में बावन ध्वनिया है शाबाश 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 लोगों ने आंसर कर दिया है सबने अच्छी बात है मंजू कविता चौधरी किरण नेगी एंड शिवानी शर्मा सिर्फ चार लोगों ने इसका सही आंसर किया है और समझ गए हैं शायद इसका क्या मतलब था संस्कृत पूछा है देखना वैदिक संस्कृत नहीं पूछा है अगर वैदिक संस्कृत होता तब ये सारे नाम आ जाने थे वैदिक संस्कृत की ध्वनिया किसने हैं इन सब ने कितनी बताई थी बावन बताई थी लेकिन संस्कृत संस्कृत में ये रह गई थी आपकी अड़तालीस ठीक है तो इन्होंने मानी है बावन वैदिक संस्कृत की यहां पर प्रश्न पूछा गया है देखना सिंपली संस्कृत का तो ये ध्यान रखना है आपको प्राचीन संस्कृत पूछा होगा तब भी आपकी बावन ही होनी थी लेकिन संस्कृत में कितनी रही संस्कृत में ये 48 रह गई थी ये बात आपको याद रखनी है देखना इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न को देखिए आप ओके okay. थोड़ा सा अलग किस्म का ये प्रश्न था इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये एंड इसका आंसर तो सबको करना ही पड़ेगा चलिए इस प्रश्नोत्तरी को देने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं चलिए फिर देखते हैं कितने लोग इसका आंसर जो है वो सही करते हैं और कितने लोग जो इसका आंसर गलत करेंगे अपने अपने अनुसार इसका आंसर देना है सबने जिसने जैसा महसूस किया है वो वैसा ही आंसर दें है ना बिल्कुल तटस्थता के साथ एंड बेझिझक होके आप अपना जो फीडबैक है वो भी साथ में रख सकते हैं आज हमने थोड़ा सा जल्दी किया इनको देखना नहीं तो हमारे पास इतने प्रश्न जो है कवर नहीं होने थे आज हमने लगभग तीस प्रश्न किए हैं पिछले कल हमने पच्चीस प्रश्न बीस प्रश्नों को ही देखा था चलिए देखते हैं कौन कैसा महसूस कर रहा है प्रश्नोत्तरी को देने के बाद इंदु बाला किरण नेगी नैनसी आशा नीलम मोनिका एंड मीना सात लोग कह रहे हैं कि हम तो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं दो लोग कौन हैं जो बी की तरफ गए हैं नेहा एंड मधु कह रहे हैं कि निराश और सी की तरफ बहुत सारे लोग गए हैं सी में क्या था सी में नौ लोग हैं एंड डी की तरफ कोई नहीं गया चलिए आंसर सबने किया है दो लोग क्या है दो लोग निराश भी हैं निराश हैं अगली प्रश्नोत्तरी का इंतजार नौ लोगों का है अगली प्रश्नोत्तरी के इंतजार से पहले आपको क्या करना पड़ेगा आपको जो है अभी पढ़ना पड़ेगा पढ़ने का मतलब है अभी आपका हमारा जो सेकंड यूनिट है वो है भाषा के पाद का साहित्य इतिहास लेखन उसकी जो लेखन विधियां रही है आधारभूत जो स्रोत रहे हैं वो चीजें हैं नामकरण है काल विभाजन है ये सारा का सारा कहाँ पर रहेगा ये रहेगा आपका सेकेंड टॉपिक में ठीक है तो तभी आपका टेस्ट होगा अभी तो फिलहाल नहीं होगा ओके चलिए अब आपने बताना है अभी तक वन वन जो दो वीक रहे हैं हमारे कैसे रहे मजा भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया समझ तो आ रहा है पर बहुत पीछे है बहुत पीछे पीछे या बहुत ज्यादा बहुत पढ़ना पड़ेगा आज पता लग रहा है चलिए तो थोड़े से आसान आसान प्रश्न भी रहेंगे आपको कुछ प्रश्न इसमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल रख दिए थे मैंने और कुछ इजी भी हैं ऐसा ही पेपर रहता है आपको देखना जहाँ तक आप पेपर में देखेंगे ऐसे ही कुछ एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एलटी कमीशन तो फिलहाल सारा का सारा ऐसा ही रहेगा ठीक है सर कल वाला तो काफी हम्म हाँ, तो आज मैंने पहले था क्या है कल कब हुआ था क्लास तो लगी नहीं थी कल यही टाइम था नौ से दस बजे ही लगी थी क्लास ओके पता ही नहीं लगा सर मेरे को तो चलिए कोई बात नहीं यही टाइमिंग रहेगी अब आपकी देखना मैंने पहले कहा था कि पंद्रह के बाद जो हम शाम को ही रखेंगे क्लास क्योंकि हमारे दूसरे बैच जो हैं वो खत्म हो चुके हैं ओके सर सुबह का ज्यादा बेटर था उठ जाते हैं हाँ उठ तो जाते थे फिर कभी कभार मैं नहीं उठ जाता उठता था कभी आप नहीं उठते थे तो तो तो. <laughs> तो, तो तो. कितने महीने का बैच रहेगा इस सेशन अभी फिलहाल फोर मंथ तक तो चलते रहिए वैसे कोशिश हमारी ऐसी रहती है कि चार मंथ में कंप्लीट कर लिया जाए इसको फिर बाद में देखेंगे अगर कुछ रिवीजन वगैरह का होगा तो ओके देन चलिए ठीक है फिर बाकी फिलहाल ठीक है अभी हमारा पास आज चौदह पंद्रह से स्टार्ट किया था मतलब है तो पच्चीस के लेक्चर रहेंगे इसमें आपको तो एक मंथ में ठीक है तो पच्चीस का मतलब है हम टोटल को मिला के देखेंगे तो सौ लेक्चर आपके रहेंगे पूरे के पूरे कोर्स में उसके बाद फिर आपका जो दूसरी चीजें रहेंगी जीके वगैरह वो अलग हो, हो जाएगा ठीक है ओके मिलते हैं फिर अभी सर एक, एक ही यूनिट हुआ है हो जाएगा आप बेफिक्र रहिए आगे वाले यूनिट जो है ऐसे नहीं रहेंगे उसमें हम थोड़ा दूसरा तो बहुत कम था दूसरा भी आपका लगभग लगभग कंप्लीट ही ऑलमोस्ट उसमें कोई ज्यादा चीजें नहीं है देखना वहां पर आपको सिंपली क्या है साहित्य इतिहास लेखन ही है नामकरण काल विभाजन ही है ठीक है आदिकाल थोड़ा सा लंबा है भक्ति काल थोड़ा ज्यादा लंबा जाएगा रीतिकाल बहुत छोटा है रीतिकाल में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दो तीन दिन में आपका रीतिकाल कंप्लीट हो जाता है ठीक है तो ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा आप सीधा पढ़ते रहिए हर एक टॉपिक तक तो पहुंचना सर, जरूरी है सर जो हमारे निबंध है हमारे जैसे कहानी है क्या क्या है बीच में बहुत कुछ है वो हमारे को ट्रिक से समझाना मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता इस तरह से मतलब अगर बिना ट्रिक के चलिए देखते हैं अगर कुछ चीजें बनती है वैसी तो ठीक है बाकी मैं बता दूंगा कि सबको याद रखने की जरूरत वहां पर नहीं रहती है कुछ मेन मेन चीजें ही है उन्हीं को ही आपको फोकस करना है है ना सारी चीजें तो कहाँ करेंगे प्रेमचंद की तीन से अधिक कहानियां हैं सबको थोड़ी ना याद रखना है हमारे जो पॉइंट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू है ना वही देखेंगे वो मैं बता दूंगा आपको हाँ जी हाँ जी हाँ जी बता दूँगा बता दूंगा वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस हो जाएंगी उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी उसके लिए आपके अलग से टेस्ट भी रहेंगे जो भी आपका कहानी उपन्यास आलोचना वगैरह है उसके टेस्ट आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे फिर उसके बाद तो उससे कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं होनी चाहिए ठीक है ओके कल है छुट्टी कल संडे संडे को एंजॉय कीजिए परसों मिलेंगे हम ठीक शाम नौ बजे नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ तब तक सब लोग पढ़ते रहिए पढ़ाते रहिए मुस्कुराते रहिए बाय बाय गुड नाइट